हम सिंधी बहुत खाते हैं, फेवरेट है हमारी सिंधियों की। हाय मेरे तो सर इतना चकराने लग रहा था इतना। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है वेनसडे और अभी हुए हैं 7:45 हैं और हबी अभी तक नहीं आए हैं। आज इनको भूख ही नहीं लगी है, शायद लेट हो गई है इनको। वैसे मैं आ जाते हैं 6:15-6:30 तक, या कभी 6 बजे तक, कभी 7 बजे तक, कैसे भी करके आ रहे हैं। तो अभी तक इनका वेट कर रही हूँ, आए तो नाश्ता वगैरह खाऊं। जस्ट अभी मैंने लिप बाम लगा के आई हूँ, क्यों तो कल मैंने लिपस्टिक लगाई थी जैसे आपके साथ कल शेयर की। रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे, यानी कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, तो लिपस्टिक लगा के गई थी, तो उसकी वजह से ना लिप ऐसे हो जाते हैं ड्राई ड्राई बहुत, तो उसकी वजह से ऐसे लग रहे थे। आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, पूरे ड्राई पड़े हैं, पूरी स्किन निकल रही है मेरी, चैप्ड हो गए हैं जैसे लिप्स, तो लिप बाम लगा के आई हूँ। और काजल कल का जो वैलेंटाइन डे का है वो व्लॉग एडिट कर रही है, थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगा। यहाँ की बेडशीट वगैरह भी अरेंज नहीं की है मैंने, जैसे नींद में से उठी हूँ वैसे ऐसे ही बैठी हूँ, मम्मी के साथ बैठी थी 6:45 जस्ट अभी, मम्मी गए हैं घर पे। मैंने कितना बोला रह जाओ, तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की, बट नहीं रहे, वो चले गए। बोले नहीं बस टेबलेट लिया है ना तो अभी ठीक लग रहा है, तो घर चले गए हैं। मम्मी के साथ ही बैठी थी, जस्ट अभी निकले, तो मैंने बोला अभी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, हबी का वेट कर रही हूँ, आ जाए नाश्ता वगैरह खाए तो चाय वगैरह पिए, थोड़ी देर बैठ के टीवी ही देखूंगी, क्योंकि तो थकावट भी हो गई है। एक दिन मैं नहीं बोलती हूँ, निकलती हूँ तो मुझसे थकावट हो जाती है। तो कल निकले हैं तो सुबह से सब थके पड़े हैं, बैक टू बैक निकले हैं ना। अभी उस दिन मम्मी के पास गई थी, फिर कल रेस्टोरेंट में गए तो थकावट हो गई है। हालांकि घूम के आओ बहुत ही अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स लगता है, चेंज लगता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है एकदम घूम के, और बहुत अच्छा लगता है। और व्लॉग भी इतना मस्त निकला है, काजल ने जब तक एडिट नहीं किया था ना मैं अपना देख रही थी बैठ के व्लॉग, तो थोड़ा बहुत मम्मी ने और मैंने देख लिया। मम्मी बैठे थे, बोले हाँ, मैंने बोला आज भी रह जाओ, व्लॉग देखते हैं रात को आ जाएगा, काजल पोस्ट करेगी अभी 7:45-8 बजे तक पोस्ट हो जाएगा, तो देखते हैं। तभी भी मम्मी नहीं बैठी, मम्मी का मन ऐसा ही है, मन करेगा चली जाएंगे, मन करेगा तो आते हैं ऐसे। तो अभी का वेट करें, आए तो नाश्ता खा के आपसे बात करती हूँ। फटाफट से भूख लग गई है मेरे को बहुत। आज तो मैंने खाने में बनाया था आलू बड़ी और राइस बनाए थे, बहुत मस्त सब्जी बनी थी आलू बड़ी की, बहुत ही बढ़िया बनी थी। वड़ी यानी कि वो दाल की रहती है ना, उड़द की दाल रहती है, उसकी वड़ी आती है ना, आलू के साथ सब्जी बनाओ और राइस के साथ खाओ आलू बड़ी, हम सिंधी बहुत खाते हैं, फेवरेट है हमारी सिंधियों की आलू बड़ी, तो वो खाई थी आज, बहुत मस्त बनी थी बहुत। सुबह में मेथी की रोटी बनाई थी मम्मी ने, सुबह में मम्मी ने बनाया था नाश्ता, मैं तो उठी 10:30 बजे, लेट उठी, क्यों तो मम्मी होते हैं ना तो मैं नाश्ते के लिए नहीं उठती हूँ, मम्मी ही बना लेते हैं, मम्मी ने बनाया था। बाकी आफ्टरनून में मैंने बनाया आलू बड़ी और राइस, रात का अभी सोचा नहीं है क्या खाते, मैं बोली मम्मी भी है साथ में मिलकर कुछ खाएंगे, प्लानिंग कर रहे थे दाल पकवान खाए या कुछ खाए, तो मम्मी तो चली। आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह खा दिया, फ्रूट पड़ा था, फ्रूट लेके आए थे दोपहर में, बनाना लेके आए थे, बनाना खाया, बस अभी चाय रखी है, चाय पी लेते हैं फटाफट से। आज लेट आए, बहुत लेट आए, बिजी थे बहुत, तो वही बोल रहे थे तूने फोन नहीं किया, मैंने बोला काजल के पास है फोन, मैंने किया ही नहीं फोन, मैंने इंतजार कर रही थी, आए नहीं अभी तक, बहुत लेट कर चुके हैं। तो नाश्ता भी हो गया है, बस चाय वगैरह पिए, थोड़ी देर बैठ के टीवी देखूंगी, फिर रात का खाना देखूं क्या बनाऊं। वैसे मम्मी बैठे थे, बोल रहे थे दाल पकवान खाएंगे आज, दाल पकवान मिलके बनाएंगे, पर मम्मी की तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी तो पूरा कंफ्यूज पड़े थे, चले गए। बोला भले खाओ दाल पकवान रात को या सुबह में मंगा लेते, सुबह में दाल पकवान खाएंगे, तो मम्मी चले गए नेक्स्ट टाइम, और जब भी आएंगे तभी दाल पकवान की पार्टी करेंगे, मम्मी जब भी आएगी तब भी। तो अभी टेबलेट तो लेके दिया है मम्मी को, हमारी जो फैमिली डॉक्टर है उससे ही मैंने मंगवाया, कल मम्मी को बुलाया था आफ्टरनून में, मम्मी कल आए थे चलने के लिए, मैंने बोला चलो, फिर बोले तबीयत ठीक नहीं, मैं बोला फिर नहीं तो आप घर में बैठना, मैं टेबलेट लेके देती हूँ, इससे अपना फैमिली डॉक्टर है हमारी उससे ही दवा करते हैं, मम्मी भी उनका ही ट्रीटमेंट करते हैं। चाय बन गई है मेरी, फटाफट से लगा लेती हूँ। Thank you.
अभी रात के 9:25 हुए, यानी कि 9:30 ही बज रहे हैं। मैं कब से बैठ के टीवी बैठ के देख रही हूँ, इनके साथ बैठी थी, नाश्ता वगैरह खाया, चाय वगैरह पी, लेकिन इतनी थकावट हो गई है मेरी। कल से मैं निकली हूँ तो मुझे इतनी थकावट हो जाती है, एक दिन निकलती हूँ कल पे मैं, मेरी हालत ऐसी हो जाती है मैं बैठी जाती हूँ, बिल्कुल सुबह से ही ऐसा लग रहा है, बहुत थकावट हो गई है। तो खाने में तो आज भजिया बोला है इन्होंने, कांदा भजिया काजल ने, और इन्होंने पाव के साथ खाएंगे काजल और मैं, तो ये तो पाव खाते नहीं, इनको रोटी बराबर चलती है भजिए के साथ, के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, काजल और मैं मिलके बना लेते हैं, इनके लिए फटाफट हो जाएगी। काजल ने बोला मम्मी बिल्कुल, तो मैं फटाफट से पका के आती हूँ पापा के लिए रोटी, हम दोनों पाव के साथ खाएंगे, क्यों तो भजिए हो यानी कि कांदा भजिया हो और साथ में पाव ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो कांदा भजिया बनाना है बस, वो तो फटाफट बन जाएगा, अभी 9:30 ही बजे हैं, अभी बिग बॉस नहीं है तो फिर आराम से खाना बनाती हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी करके 10 बना लेती थी, अभी आराम से बनाती हूँ। मम्मी से फ़ोन किया, मम्मी की भी तबीयत अभी हेल्थ ठीक लग रही है, बोले अच्छा लग रहा है मुझे, बाकी मेरा भी आज का दिन है, ऐसे रेस्ट कर लूँगी तो थकावट उतर जाएगी तो कल फिर थोड़ा ठीक लगेगा। और वीडियो भी एडिट हो चुका है, कल का जो होके आए थे इतना मस्त निकला है वीडियो, अभी मैंने देखा नहीं है, वो पोस्ट नहीं हुआ है, 9:30 काजल ने बोला थोड़ी देर में पोस्ट करती हूँ, पोस्ट हो जाएगा तो मैं खाना बना के खाने के टाइम पे देखूंगी टीवी में बैठ के, मैं टीवी में देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खुद का वीडियो टीवी में देखना, और निकला भी बहुत अच्छा है मस्त, थोड़ा थोड़ा तो मैंने ऐसे क्लिप देखी है क्या हुआ ना, जैसे हमने काजल शूट कर रही थी ना कल वीडियो, तो मैं इतना गोल फ्री हूँ, इतना घूमी हूँ, गोल 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 ऐसा करके मैं बहुत उसमें गोल घूमी हूँ, इतना लगातार घूमती गई, हाय मेरे तो सर इतना चकराने लग रहा था, इतना हंस रहे थे मम्मी हब्बी काजल, इतना हंस रहे थे, गोल यहाँ से पूरा वहाँ तक इतना गोल घूमती गई, और फटाफट फटाफट, क्यों तो लेट हो रही थी ना, तो जल्दी जल्दी से फास्ट मैंने शूट किया, बहुत फास्ट इतना जल्दी शूट किया था, बहुत गोल घूमी हूँ, लास्ट में से सर पकड़ के खड़ी रही, हाय मेरे को चक्कर आ रहे, इतना मैं गोल घूमी हूँ, बहुत चक्कर आ रहा है अभी, मज़े से घूम गई, पता ही नहीं चल रहा था मैं कैसे घूमती जा रही हूँ, मज़ा आ रहा था। रेडी होती हूँ ना तो ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद मेकअप भी खुद ही मैंने किया था, इतना कुछ नहीं किया था कि बीबी क्रीम लगाई थी और माइग्लेम का जो आई शेडो पैलेट है मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने वो वीडियो भी बनाया है, इंस्टा पे बनाया है, यहाँ पे यूट्यूब पे भी शेयर किया है मैंने माइग्लेम का, वो सेल्फ मेकअप है तो वो अच्छा रहता है, फटाफट उससे मेकअप कर लेते हैं, काजल नहीं रेडी करती है तो मैं माइग्लेम का ही लेती हूँ, उसमें से भी सेल्फ मेकअप बहुत ही बढ़िया होता है। कल क्या कम मेकअप लग रहा था मेरा, मस्त लग रहा था, लेकिन काजल का तो करने का तो तरीका ही अलग है, वो करती है तो कुछ और ही मेरा शक्ल हो जाती है मेरी, बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, मीन्स मैं नहीं लगती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ, बहुत वैसे ब्यूटीफुल तो मैं हूँ ही, ऐसे नहीं हूँ, लेकिन काजल का मेकअप हो तो मैं एकदम ब्यूटीफुल हो जाती हूँ बहुत ही। कल थोड़ा मीन्स ऐसे ठीक किया था मैंने, मीन्स सेल्फ मेकअप किया था, यहाँ तक जा रही हूँ इनके साथ तो उतना सा ही सिंपल मेकअप किया था, इतना टाइम नहीं था, नहीं तो मैं शूट करती थी, मैं कैसे कर रही हूँ, कल टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी करके वो भी ऐसे ही थोपती गई, हाथ से ही लगाया मैंने सब, तभी भी ठीक लग रही हूँ वीडियो में, इतना अच्छा नहीं लग रहा था आगे, बट वीडियो में अच्छी लग रही थी मैं। कितने टाइम के बाद मैंने वो ड्रेस पहनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, वो ड्रेस पूरी ना उसकी गोल्डन जो स्पार्कल्स है ना पूरे ड्रेस से पूरे निकल रहे, पूरे के पूरे, आज सुबह में मैं जैसे झाड़ू लगा रही थी, बूमिंग कर रही थी ना, पूरी स्पार्कल्स है ना गोल्डन पूरे घर में वो फैले हुए थे, पूरे घर में। अभी मैंने ना, मेरी आदत है मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना मैं गिरा के आती हूँ, मीन्स नए कपड़े हो कुछ भी हो, बाहर तो ज़्यादा ही मैं थोड़ी शाय हूँ खाने में, मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता है किसी के साथ सामने खाना, तो बट तभी भी अभी भी मैं होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खा रही हूँ, नहीं तो पहले तो मैं इतनी शाय थी, मैं इनको बोलती थी जो एकदम कोने में हो ना सीट वहाँ पे लेके चलो, मैं वहाँ पे बैठूँगी खाने के लिए, नहीं अभी तो मैं बीच में बैठ जाती हूँ, किधर भी सीट मिले मैं अपना बैठ जाती हूँ और खाना पीना बिंदास खाती हूँ, अभी थोड़ी बिंदास हुई हूँ, पर पता नहीं क्या मेरी हेल्थ की वजह से भी मेरे हाथ से गिरता होगा, हाथ में स्पून बराबर नहीं पकड़ पाती हूँ, ये राइट हैंड में तो इतना प्रॉब्लम है तो स्पून वगैरह बराबर नहीं पकड़ पाती हूँ, तो थोड़ा मेरे से गिरता ही है वीकनेस की वजह से, वो तो जो ड्रेस पहनती हूँ वो ख़राब करके आती हूँ, तो कल तो सांभर बहुत गिरा के आई हूँ मेरी ड्रेस पे, तो अभी वो मुझे मैं धो नहीं पाऊँगी, क्यों तो उसके पूरे गोल्डन स्पार्कल्स निकल रहे हैं ना, तो वो जरी जरी पूरी निकल रही है, तो थोड़ा जो इधर जिधर गिरा है मैं तो वो कल तो मैंने उधर ही मैंने साफ़ कर लिया था, तो थोड़ा बहुत ना गीले कपड़े से आज तो थकी हुई हूँ, कल मैं थोड़ा वो साफ़ कर लूँगी, थोड़ी अच्छे से पोंछ के उसको रख दूँगी, बहुत मस्त लग रही है, पहले थोड़ा मैं वेट लॉस था ना मेरा तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, अभी कल तो बहुत अच्छी लग रही थी, इनको भी अच्छा लग रहा था, बहुत मस्त लगता है। बेसन भी मैंने भून लिया है और यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो रहा है,
बस मुझे खाली फटाफट से बनाने हैं। और यहाँ पे सॉस वगैरह मैंने निकाल के रखी है, पूरी तैयारी कर ली है। पाव लेके आए हैं काजल के लिए और मेरे लिए, बस रोटी इनका बनाऊंगी और फटाफट से पहले मैं भजिए फ्राई कर लेती हूँ, फिर इनको गरम गरम रोटी बना के दूंगी। यानी कि मैं आटा गूंथ के बेलूंगी, काजल खुद ही बना के देगी। काजल बोली थी, मम्मी मैं ही पका लेती हूँ तीनों। मैंने बोला नहीं, थोड़ा करके देती हूँ, तू फटाफट से पका के देना फिर पापा को। बोली थी मैं ही कर रही हूँ, बैठो आप। तो अभी फटाफट से कर रही हूँ खाना, ये भी आ चुके हैं और वीडियो मेरा पोस्ट हो रहा है कल का, वो वेट है मुझे, बहुत अच्छा निकला है वीडियो, तो वो इंतजार कर रही हूँ, देखूँ तो पोस्ट हो तो देखती हूँ। एक्चुअली भी काजल बोल रही है क्लाइमेट ऐसा आ रहा है, सोशल मीडिया पे क्लाइमेट बहुत खराब है, हर किसी को खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है और मुझे पेन हो रहा है बॉडी में, तो मैं भी मुझे क्लाइमेट की वजह से ये पकड़ा है, बार बार हो रहा है। और कहीं पे होके आती हूँ तो ज्यादा होता है, थकावट होती है, बिल्कुल भी हालत खराब हो जाती है। तो मैं भी क्लाइमेट की वजह से है, क्लाइमेट चेंज होगा तो पता चलेगा। गर्मी सुबह में इतनी होती है, सहन के बाहर गर्मी होती है और इवनिंग में ठंडी हवाएं लग रही है। सुबह में गर्मी हो रही थी मुझे, फिर मैंने ये पहना शावर लेके, मैं बोली आज कॉटन पहनती हूँ, गर्मी बहुत है, सहन नहीं हो रही है, खुद का हेल्थ ही सहन नहीं होगा तो क्या ही करेंगे। मैंने बोला फिर यही पहनती हूँ हल्का, देखती हूँ घी भी गर्म हो गया, मैं फटाफट से तल लेती हूँ भजिए भी। अभी 11:05 पड़े हैं, खाना जस्ट अभी खा लिया मैंने, इतना नहीं खा पाई जितना मन करके मैंने भजिए बनाए, बहुत मस्त बने थे, बहुत मस्त। लेकिन तभी भी भूख ही नहीं लग रही है, पूरी थकी हुई हूँ, पेन है बॉडी में, तो कल ब्लड टेस्ट भी करवा रही हूँ, डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ले लूँगी। कहाँ से होके आ रही हूँ ऐसा ही हो रहा है, वहाँ की 3 सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ, खाली 3 सीढ़ियाँ थी छोटी छोटी, वो इतनी छोटी नहीं थी, थोड़ी थी लेकिन, बट वो उतरने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई। एक तो सैंडल ऐसा पहन के गई थी मैं, वो पूरा स्लिप हो रहा था, स्लिप पड़ी है वो सैंडल, तो वो पहना था तो उससे भी उतर नहीं पा रही थी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।